जकात क्यों दी है, हज क्यों पड़ी है,
मजलिस सुने क्यों है? हम तो बोलो भाई मजलिस सुने क्यों है? एक जरा मजबा नहीं बोल रहे क्या मेरे कान बंद है या तेरी सदा थोड़ी है? नमाज क्यों पढ़ी है? बोलो जन्नत वास्ते मजलिस सुने क्यों है? यदि सुनना आए वो बोल मजला मजलिस सुने क्यों है? मजलिस कराई क्यों है? मजलिस पढ़ी क्यों है? इतने ज्यादा पैसे ला के शबीये से जनाब बनाया किस वास्ते? बोलो भाई मैं जवाब भरेगा खूबसूरत पैसे ला के अलग सवार करवाया किस वास्ते? सारे बोलो जन्नत है। मतलब क्या? तमाम इबादत का रिजल्ट वो है जन्नत। इवे बात है वो है जी सिर हला रही हो मेरे नाल बेशक ना बोले जी बोला चले बोले तमाम इबादत का रिजल्ट है बोलो जन्नत। बारह लख रुपये ला के हज कर आए किस वास्ते? बोलो जन्नत वास्ते। दो घंटे हो गए पैरों जुटी कोई नहीं कदम समीत थे दो घंटे मत में हुसैन की थे किस वास्ते? बोलो और जिना सवाल जिना तो मैं किया तवज्जो जै मेरे से सवाल किया मजलिस कराई क्यों नमाज पढ़ी क्यों जन्नत वास्ते? अगर मैं अगे तुसा तरावियां पढ़िया क्यों? बोलो भाई उस भी आख्या बोलो भाई उस भी आख्या मैं अगे तो जमाना पी अलग रहा तू वे के खुश होना है थोड़ी देर वास्ते हुसैन बादशाह का जलूस गुजरना हा तू सोटा चाले डबे लगन ना दे सा किस वास्ते? उस भी आख्या मैं बोलो भाई मैं जन्नत वास्ते। तबल बगल वजदे पहन गली ए जता मनहाने की ता तो लुत अंदोद हो रहा है चंद मिनटा वास्ते या हुसैन करता 200 बंदा गुजर रहा है तै आके मैं गुजर ना देसा क्यों मेरी लाज तो लग सही ए जी क्यों की तई? उस भी आख्या बोलो शेखपुरा ले हुन मैं नहीं तुसा जवाब देना ए जो सारे ही तैयार है जन्नत चावन वास्ते ते हर बंदे दा दिल है मैं जन्नत जावा फिर सोच जन्नत है के नी जन्नत दे मालिक कौन है? सलामत हो जेरे हाथ उठे सलामत हो या सलामत हो जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद जी। ये जो हर किसे दा दिल है हर इंसान दा दिल है मैं जन्नत जावा हां जी तुहाडा भी दिल है उनका भी दिल है ये जो हर कहे का दिल है मुसलमान फिर वो घर तलाश कर जितना जन्नत देवनी है फिर वो मेहरा तलाश कर जितना जन्नत मिलनी है और सारिया सच चाहिए जितना सुनना चाहिए जितना मेरा मिजाज बना रहा है हर इंसान का दिल है मैं जन्नत जाऊं हर इंसान का वो घर तलाश कर वो मेहरा तलाश कर जिथो बोलो जन्नत बोलो भाई मुसलमान ओ घर लभ जेदे नाल अल्लाह ने मैं सोटा कीता जन्नत दा अल्लाह ने इन अल्लाह इश्तरा मिन अल मोमिनी अनफुसहुम व अमवालहुम फि जन्नत नहीं अल्लाह ने मैं सोटा कीता जन्नत दा इशारा मैं करना है बोलना तुसा है मैं सोचता कीता उन्हा बदिया ना जेड़े मेरे राह ते कतल भी थींदे रहे मरींदे भी रहे शेखपुरे ने फैसला आप करो मरींदे कौन रहे ते रसूल नु छड़ के पहाड़ियां ते नसदे बोलो मेरे जेड़े बोल सकदे हो जी ओ घर तलाश का जेने नाल अल्लाह के मैं वादा जन्नत कीता अल्लाह करे मैं जन्नत दे छोड़ बदले च जान है बोलो फजाए ते मैं पढ़ना है तुझे मैदान बनाओ तमहीन बना दी हूँ अल्लाह करे मैं जन्नत दे छोड़ी बदले च जाना ले कहने ना इतना एक जुमला आना चाहिए जगे सफी नवाज से मैं मोरू शुरू कर देता है जगे सफी नवाज से तेरा पहला इमाम इब्ने अबी तालिब तारीख पढ़ के देखो जब सरकार तैयार हुई यारा पुत्र कतार बना के सामने आ गए सारे पुत्रा नालों जनाब मोहम्मद हनफी आगे आए
लेकिन बाबा तुसा जा रहे हो चंगे सफीर अगू एक बंदे नाल लड़ाई नहीं एक बंदे नाल बोलो लड़ाई नहीं ते तुसा इस तरीके दे नाल जा रहे हो क्या मतलब ना सर ते खौ ना बदन ते जीरा फकत तलवार ज़ुल्फ़िकार चाहिए फकत दो तोड़े माशे जीत रह गए हो फकत दो जोड़ा मोटा कपड़ा ना पा के बाबा अब लखा बंद जंग है एक बंदे नाल है तो नहीं तुसी इस तरीके नाल जा रहे हो इज्जत ले इमाम जीन तो लथे हनफी अली पेशानी दे बोसा दिता फरमाया लाए औलाद का हक बनता है बाप का एहसास करना मगर मेरा बेटा मैं चंगे सफी ने मुतमईन होके इस वास्ते जा रहा जो हिजरत अली रा मेरा सौदा हो गया जान दे छोड़िए जन्नत बोलो ले ली हूं मेरा कम नहीं सदके शर्मिंदगी नहीं बल्कि फखर महसूस होता है बल्कि नारा हायर अली चंगे सफीने अली याना पुत्रा देखना आग है तवज्जो भाई याना पुत्रा दिखता हम में बड़ा फुदा है मैं राज बन गए मेरे नाल बड़ा चंगे सफी याना पुत्र इमाम दिखन अली ने ही एक नजर सुफियानी लश्कर को देखिया हम तवज्जो मेरा पास रख दिया एक नजर अली ने अपने मोहम्मद के मुश्तरका पुत्रा ने किरदार देखा लफ्ज में पढ़ दिता है लफ्ज में पढ़ दिता है अपने और मोहम्मद के मुश्तरका पुत्रा ने किरदार और मैं नहीं पता बड़े मजमे च किसी को समझ आई है नहीं है मोहम्मद के पुत्र कौन है बोलो भाई जरा बोलो हजरत मुबालिक बा बोलो भाई तवज्जो मैदान च अली आ गए तवज्जो एक नजर अली ने सुफियानी लश्कर को देखा एक नजर अली ने अपने मोहम्मद मुश्तर के पुत्र ने किदार को दिखा अली पुत्रा नु किदार नु देख के ना मेरा कौन सा बेटा आज जंग करेगा बदेन बड़ा हो गया मेरा कौन सा बेटा बोलो भाई जंग करेगा अली यानी अली दे दम मुके चंद कदम हसन के है चंद कदम हुसैन के है अली दो पुत्र दी पेशानी चुमी अली फरमाया तुसा मेरा ऐलान सुनया है मगर मेरा ऐलान समझिया नहीं मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा जना सफीर सुनिए सच आ गया मेरा कौन सा बेटा मेरा बोलो भाई कौन सा बेटा इज्जत अली हसन हुसैन दे कदम पीछे हट गए अली दे लफ्ज मुके जाफर बिन अली अगे आ गए और बिन अली अगे आ गए अली जाफर दी पेशानी चुमी फरमाया तुम हो मैं अली के बेटे है सामने है 2.5 लाख दुश्मन का लश्कर अगर मैं अली तेन 2.5 लाख दुश्मन के मुकाबले जाफर भेजा मेनू ए दसा इस 2.5 लाख के कतल करने वास्ते तेन चीज कहड़ी चाहिए है तवज्जो मेरे पासे जाफर एक नजर सुफियानी लश्कर को दिखा ते कह बाबा घोड़ा अपना दे दे तलवार अपनी दे हाथ जो चाहते बोले मिलना अली फरमाया घोड़ा भी अपना देता हूँ तलवार भी अपनी देता हूँ और क्या चाहिए बाबा लश्कर दे दे मैं 1.5 हजार का लश्कर लेके लश्कर सुफियानी जाता अली फरमाया घोड़ा भी अपना देना तलवार भी अपनी देना 1.5 हजार लश्कर भी देना मगर एक साथ 2.5 लाख लश्कर नू कत्ल करन वास्ते वक्त कितना चाहिए है देखे ना बाबा फजर की नमाज तुम पढ़ा चुके हो मगर पैन की नमाज पढ़ा के अजे मुसल्ला ना छोड़े सो मैं
चढ़ के तेरे कदमा ते आके सामना रखा मैं अपना पुत्र ना हो के अली पुत्र की पेशानी चुमी पेशानी चुम के फरमाया बेटा तेरी जुर्रत को सलाम है क्यों मगर बैंक को दे रहे अली नु जल्दी है लश्कर मंगया है मैंने 1000 लश्कर दे दो और घोड़ा अपना दे दो तलवार अपनी दे दो अली 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 फरमाया बेटा ऊन घोड़ा मेरा ले जा तलवार मेरी ले जा 1000 लश्कर ले जा तू बता 2.5 लाख कतल करने वास्ते तेरे कितना वक्त चाहिदा है कदमा ते हाथ लागे ना बाबा फजर की नमाज पढ़ा चुके हो जोहरैन की नमाज पढ़ा के अजा मुसल्ले ते मेरी दादी दी तस्बीह मुकम्मल ना हो सी मैं 2.5 लाख कतल करके तेरे कदमा की आके सजदा ना करा मैनू अपना लाल ना आके अली 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 पुत्र दी पेशानी दे बोल देता फरमाया तेरी जुर्रत को भी सलाम मगर जोहरैन को दे रहे अली की जल्दी है और नहीं मैंने मैदान में जोहरैन को दे रहे अली की जल्दी है जितने अब्बास दिया मरीज दिया बैठिया जितने आले मोहम्मद दर्द की नुकरानियां बैठिया बिलकसूर अलमा आले सरकार की नुकरानियां बैठिया सब चावे जिन्हें सीने अली है ओ चुप ना ऐसी क्यों अली के बेटे कदम पीछे कर रहे थे अब्बास कदम बढ़ा रहे थे अली ने पुत्र कदम हटा रहे थे अब्बास और भाई ने मरीज दिया बैठे हो तवज्जो अब्बास बाप के सामने आया अली ने फरमाया अब्बास तुझे क्या चाहिए बता तुझे क्या चाहिए बात इतना जितना मलंग ने अपहार दिया तुझे क्या चाहिए बाबा तेरी इज्जत की कसम है जाफर 1500 लश्कर मंगिया और 1000 लश्कर मंगिया घोड़ा भी तेरा मांगा तलवार भी तेरी मंगी अली फरमाया तू बता तुझे क्या चाहिए सब सो देख के बाबा तेरी इज्जत की कसम ना मुझे तेरा घोड़ा चाहिए ना मुझे तेरी तलवार चाहिए तेरे बोल सकते बोले बोले ना मुझे 1500 लश्कर चाहिए ना मुझे 1000 लश्कर चाहिए फरमाया तुझे चाहिए क्या अब्बास मुस्कुरा के रब बाबा इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो बोले मेरे हुसैन ही बैठे हो इजाजत तेरी हो मर्जी बोले भाई बोलो मर्जी 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 बाबा इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो कुरान की कसम अली फरमाया अच्छा तू बता तुझे 2.5 लाख कतल करने में वक्त कितना लगेगा अली फरमाया अब्बास मैं बाबा तेरी इज्जत की कसम मैं तेरा बेटा हूँ तेरी इज्जत की कसम मैं तेरा बेटा हूँ अपने हाथों से तू मुझे जीन पे बल्हा मैं कल मेरे लश्कर में जाऊंगा पहली कतार में फनाह करके मैं अपना में फनाह करके मैं सुरा को उल्टा के आखिरी कतार में चले जाऊंगा तेरे पहले मुनकर की गर्दन अजा जमीन ते ना आसी तेरे आखिरी मुनकर का सामना अदान ने अब्बास सदके सदके हो गया थोड़ी देर तक बाद खैमे
अली दे नाल अली खलोता बैठा जरे अली वाले बोलो मेरे नाल अली दे नाल अली खलोता बैठा अली दा अमामा अली दे सर दे अली दी अबा बोलो भाई अली दे अबा दे अली दी बोलो दस्तार अली दे बोलो भाई ता तुसी चुप कर गयो मिंबर दी कसम आसमान ते फरिश्ते एक बैठा मोढ़ा ला के आज समझ नहीं लग रही वड्डा अली के छोटा अली के सदके सदके वड्डा अली के रहा है छोटा अली के रहा मिंबर दी कसम आतफे गैबी से सदाई अली मैंने तेरी मोहब्बत में दूसरा अली नहीं बनाया था मुझे थी तुझसे मोहब्बत ये तूने खुद अली बनाया तू जान बोलो भाई अली जाने अब्बास जाए तो बैठो अली ने अपने हत्ता नाल अब्बास नु सीट ते बिठाया अली ने अल्लाह वाले हाथों से उठा के कुरान को रुहले दीन पे बिठाया अब्बास दीन पे आए अब्बास घोड़े दे चलने का अंदाज बदल गया जना सफीन अब्बास ने हमला सुना पर हम बड़े बड़े आज सुनना चाहते हो अब्बास दीन पे आए सलामत सलामत जी सलामत छोटे कबीले वाला सामने
अपने कबीले दे बराबर अरब वाले जान करे देहा शेखपुर दी धरती पर एहसास जिया इलाका सुनने वाले ने जहन चलते के साहेब मिंबर आजाद होके पढ़ता है हालांकि आजाद होके नहीं पर फिजरे को पढ़ते हैं क्यों नुमाइंदगी भी करनी है मजहब की हक भी बोला पहुंचावना है अलीपुर वालियों में लव थोड़ा लुका के देना चाहनी हाँ जे तू समझ आ गई मेरे करोड़ा सलाम उस मां फैन नो क्या जेहरा भी मैदान च आवे हा लड़न तो पहले तलवार कटन तो पहले ए अपना तारफ करवाते हैं बड़ा जुमला अरे वाले लड़न तो ना डरते जेड़े पहुंच गए हो सलामत रहो जेड़िया पहुंच गई सलामत रहो जेड़िया नहीं पहुंचिया सर चाह अरे वाले लड़न तो ना डरते बल्कि अपना शजरा दस लगे डरते हैं तो मैदान च जाके की तारफ करा तू मेरा बाप कौन है मेरा दादा कौन है किताबां तेरे मिंबर ते ढेर लवा पूरे कायनात पूरे अरब वाहिद अबू तालिब दा पुत्र हा चाहे अस्सी जगह च काफर दी अख च अख पाड़ के अगे तलवार कर दे इमरान दा पुत्र हा तलवार निकालो मैं आना अली अपने अबू तालिब का बेटा सदके मैं अली का बेटा हूं वाहिद अरब च अबू तालिब दा करा थक तो नहीं गए घबरा नहीं गए यहां जितना सुनो मैं उतना पढ़ दिए बोलो भाई पिछले मजमा तुम्हारी तारीख नहीं आई मेरे यार पता लगे नहीं सुना या जियो अरब की माए अपने बच्चों को मेरा नाम लेके डरा के सुनाती है मेरी तलवार की नोक नहीं बड़े बड़े बहादुर के जिगर के खून का जायका चखा है मिंबर की कसम है गजब नाप तारफ करवाया लाया कुरान मेरे सत दा उम्मल बनी इंदे बच देते ना चेहरे पे ना डर आया है ना खौफ आया ना पसीना आया सुसे अली हल्की जय अब्बा मुस्कुरा दे के ना तेरा नाम नसरानी औरत ने रखा तेरा नाम किसी नसरानी औरत ने रखा चाहे तुझे नहीं पता मैं मलके तहीर की दुआ हूँ ऐसे पाक नाम तुम जैसे गलील को नहीं बताए जाते सदके पहली दफा आया हाँ पहली दफा आया
पहली बार लड़ना है, हाँ पहली बार लड़ना है ना, पहली बार लड़ना है सरकार पर, मैं हाँ पहली दफा लड़ने आया हूँ। मिंबर जी का समय दिल च ख्याल करके आता है, अगर ये पहली दफा लड़न आया है, इसका चेहरा भी अली जैसा, इसका लहजा भी अली जैसा, अगर लहजा चेहरा अली जैसा है फिर लड़ता भी तो अली, जा गया जनरल जा दे
उसे नियम मजूरियां भर के लिए।